हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शराब के ठेके हटाने को लेकर बाबरी समाज ने कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सोजत क्षेत्र के बाबरी समाज के लोगों ने रहवासी ठाणियों के पास चल रहे शराब के 3 ठेकों को बंद करवाने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के तहत उन्होंने बताया कि बिलावास व खारियानी ग्राम पंचायत के करीब 8 रहवासी ठाणियां हैं, जहां पर बाबरी समाज के लोग रहते हैं। उक्त ठाणियों में करीब 3 शराब के ठेके आबकारी नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं। उक्त ठेकों से नाबालिग बच्चे सहित युवा वर्ग भी शराब खरीद कर पीते हैं, जिससे समाज का युवा वर्ग नशे का आदि हो रहा है। साथ ही शराब के बार बार सेवन करने से घरों में लड़ाई झगड़े अनैतिक कार्य भी ज्यादा हो रहे हैं और नशे की लत के कारण युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अंत समाज सुधार की तरफ कदम उठाते हुए मांग करते हैं कि उक्त क्षेत्र में शराब के ठेके हटाकर शराबबंदी की जाए, जिससे युवा वर्ग पे नशे का आदि नहीं हो और रहवासी इलाकों में भी शांति व्यवस्था बनी रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए दिलीप बाबरी, समाज सेवी सुरायता, इन्होंने ये कहा। एसडीएम साहब सोजत को बाबरी समाज सोजत द्वारा हमारे गांव के बिलावास की डाड़िया 9 में 3 अवैध ठेके लगे हुए हैं, उनको हटवाने के लिए एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया तथा हम प्रशासन से अपील करते हैं कि आप उक्त तीनों ठेकों को तत्काल प्रभाव से हटाएं और हमारे बावरी समाज को एक बहुत बड़ी बुराई से और बड़े नुकसान से बचा लें। श्रीमान जी से निवेदन है और प्रशासन से भी निवेदन है कि आप इस मामले में कृपया एकदम सख्त कार्रवाई करें और तत्काल प्रभाव से ठेकों को बंद करवाएं। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।